भारत में लौटा लेना, यह हम सभी भारत के नागरिकों के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक और उदाहरण है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एक साख पूरे विश्व में जो बनाई है उसका लाभ भारत को लगातार मिलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बड़े ही गंभीरता से खुद लिया। मुझे याद आता है लगभग 8 हाई लेवल मीटिंग्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की इस विषय में, हर मीटिंग के बाद बड़े कठोर कदम उठाए जाते थे कैसे एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को भारत वापस लौटाया जाए। और हर मीटिंग में अंत में ये जरूर कहते थे कि एक एक की चिंता करनी है, सबको वापस लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 बार इस संकट की घड़ी में विश्व के बड़े बड़े नेताओं से बात की, कूटनीति का हर संभव प्रयोग किया गया जिससे हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित फिर भारत लौट सके। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 बार, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के उनके साथ 2 बार, जो 5 राज्य यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं उन 5 राज्यों के सरकार के प्रमुख के साथ हर संभव कदम उठा के आज हमें ये गर्व है कि जो आखिरी बैच था स्टूडेंट्स का, वो भी अब जो युद्ध का इलाका है उसमें से निकल के पश्चिमी यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लिविर में थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा और उन्हें वहां से बॉर्डर से पार करके नजदीक के देश में लाके भारत वापस ले आया जाएगा। और इतनी संकट की घड़ी में भी, इतनी समस्याओं के बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे इवैक्यूएशन एक्सरसाइज का नेतृत्व किया, 4 वरिष्ठ मंत्रियों को स्पेशल एनवॉयज के रूप में इन देशों में भेजा, उन्होंने वहां के राष्ट्र के प्रमुखों से चर्चा की, बात की, जिसके कारण हर संभव सहयोग उन देशों से भी हमें मिला। और मुझे लगता है कि ऐसा पैरेलल कोई और उदाहरण नहीं है किसी देश का जिसने इतना सीरियसली अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने का, घर वापस लाने का काम किया हो। यहां तक कि बड़े बड़े देश इसमें विफल रहे, चाइना तो शायद पहली बार ही 5 तारीख को कुछ लोगों को निकाल पाया, यूनाइटेड स्टेट्स ने तो पहले ही एडवाइसरी दे दी कि आप निकल जाओ नहीं तो हम जिम्मेदार नहीं है। एक प्रकार से भारत ने दर्शाया कि कैसे हर नागरिक को, और कई नागरिक तो हमारे युवा युवती अपने पेट्स को भी साथ में ले आए, हमने हर संभव उनकी इच्छाओं को पूरा किया। और जो जो इलाके से वो बाहर निकल पा रहे थे, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, चाहे वो रोमानिया हो, स्लोवाकिया हो, चारों देश में हमारे मंत्री, हमारे पूरे एम्बेसी के स्टाफ, भारत से भेजे हुए एडिशनल फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स, सब ने जिस प्रकार से वहां पे एक एक बच्चे का ध्यान रखा, एक एक नागरिक के बारे में चिंता की, उनके रहने की, खाने पीने की, उनके लिए सिविल एविएशन और एयरफोर्स दोनों ने